कोसली विधानसभा से टिकट कटने के बाद भाजपा के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दो दिन में जनता की सहमति से चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे। वहीं कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कोसली में विकास करवाया होता तो टिकट रेवाड़ी से क्यों मिला। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि लक्ष्मण सिंह मेरे सामने कोसली से चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो जाएगी। दूर दूर से यहाँ पर आने भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार को दे रही है। आपकी उपस्थिति, आप यहाँ ठेकेदार ने अपनी जो उनकी काबिलियत थी उस काबिलियत के आधार सम्मेलन क्या का पूरा उद्देश्य है। सम्मेलन हमें जिस प्रकार से कोसली विधानसभा पार्टी संगठन के अनुसार चार मंडलों में बटी हुई है और राजनीतिक दृष्टि से तीन खंडों में बटी हुई है और तीनों खंडों की अलग अलग से हमें अपने सम्मानित साथियों से मीटिंग कर ली थी। आज सबका विषय था कि हम सब मिलकर के पूरे अपने कोसली हलके के जो मेरे साथ 2010 से जुड़े हुए साथी हैं, आप देख रहे थे सारे बुजुर्ग साथी जिन्होंने 15 साल का अपना कार्यकाल राजनीति में मेरे साथ बिताया है और ये रोज अलग अलग पूछ रहे थे। मैंने कहा तुम बताओ क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया इसी प्रकार से रहे तो 5 साल पिछले निकाल दिए, आपने विश्वास दिया था और हमें मान लिया था और 5 साल अब 2024 में फिर निकाल दी तो क्या करोगे, यहां कुछ होने जाने वाला नहीं। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मैंने आपकी बात को पहले भी पहुंचाया है और अब भी पहुंचा रहा हूं और फिर भी अगर आप लोगों की